सर 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 यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी के दोनों बेटों ने मतलब कि सनी देओल और बॉबी देओल ने एक साथ देख लिया द केरला स्टोरी फिल्म, और फिल्म को देखने के बाद दोस्तों दिया है दमदार रिएक्शन। तो दोस्तों, आखिरकार इन्होंने फिल्म के बारे में क्या कहा है, अदा शर्मा के बारे में क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे आपको हम इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि द केरला स्टोरी फिल्म 5 मई रिलीज कर दी गई है सिनेमाघरों में, जिस पर कि पब्लिक का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये फिल्म कमाई के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है फिल्म पठान के बाद, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का टॉपिक ऐसा है कि इस फिल्म के जितने भी शोज चल रहे हैं सभी हाउसफुल चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार सनी देओल और बॉबी देओल ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद सनी देओल और बॉबी देओल स्पॉट किए गए, जहां उनसे फिल्म को लेकर काफी सारे सवाल किए गए। तो दोस्तों, सनी देओल और बॉबी देओल ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है, और उन्हीं में से एक द केरला स्टोरी फिल्म है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि मेरी तरफ से अदा शर्मा और सुदीप्तो सेन को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाने का साहस किया। फिर इसके बाद दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने इन दोनों से पूछा कि सर कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपोगंडा बता रहे हैं, तो इस सवाल का दोस्तों जवाब देते हुए सनी देओल ने और बॉबी देओल ने कहा कि यह फिल्म किसी तरह का प्रोपोगंडा नहीं है, इसमें वही सच्चाई दिखाई गई है जो कि केरला में घटित हुई थी। हमारे हिसाब से इस फिल्म को भारत के पूरे मुसलमानों को देखना चाहिए, क्योंकि भारत के जितने भी सच्चे मुसलमान हैं वो खुद को इन क्रूर इंसानों से और ISI के एजेंट से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे देश का मुसलमान सच्चा मुसलमान है। दोस्तों इतने कहकर सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी बात खत्म कर दी थी। तो दोस्तों, अब आप लोग हमें कमेंट बताओ कि आप लोगों को इस बारे में क्या है कहना, एंड साथ ही साथ दोस्तों क्या आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी या नहीं देखी, वो भी हमें कमेंट पर लिख भेजे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।